सपोज एन एक्साइटेड स्टेट, इसका आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, तो ये रहेगा ई इंफिनिटी माइनस ई एन प्लस वन रहेगा। ई इंफिनिटी क्या रहेगा? जीरो, तो ये रहने वाला है माइनस एनर्जी इन एन प्लस वन एक्साइटेड स्टेट, तो इसका फॉर्मूला रहेगा 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन प्लस वन का स्क्वायर रहेगा, एंड ये किसमें रहेगा? आंसर इसका इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, तो मैं इधर लिख रहा हूं एन एक्साइटेड स्टेट बाइंडिंग एनर्जी ये इक्वल टू रहेगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर का यूनिट रहेगा। इससे हम लोग का जो छह टर्म्स है इंपॉर्टेंट टर्म सारे के सारे डिस्कस हो जाते हैं। अब जो भी क्वेश्चन है इसके बाहर नहीं आएगा, इसके अंदर ही जो भी क्वेश्चन आएगा यही टर्म से रिलेटेड, तो हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको जरा सॉल्व। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा लिख के रखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच एटम इज एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच ई प्लस आयन इन टर्म्स ऑफ एक्स। जरा ट्राई करो क्या रहेगा। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, तो ट्रांजिशन किधर से किधर होएगा? वन से टू, वन से टू होएगा। फिर इसका जो भी एनर्जी आएगा ये किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। ये बोला गया, देखो इधर दिया है कि ये एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है करके। अब ई टू जो रहेगा, E2 जो रहने वाला है इसका एनर्जी क्या रहेगा? इट विल बी माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर रहेगा। E1 कितना रहने वाला है? माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, दोनों में 13.6 कॉमन है, Z स्क्वायर भी क्या रहने वाला है? 1, तो मैं पूरा लिख रहा हूं। हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू 1 रहेगा, कौन सी ऑर्बिट में? सेकंड ऑर्बिट में, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस इनटू माइनस प्लस होएगा 13.6। हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू 1 रहने वाला है अपॉन कौन से इसमें? फर्स्ट, दोनों में 13.6 कॉमन है, बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा? 1 - 1/4। सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 13.6 3/4 आंसर आएगा। ये जो आंसर रहेगा ये किसमें रहने वाला है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक्स का वैल्यू रहेगा। अब सेकेंड केस में आपको क्या बोला है? सेकेंड एक्साइटेशन, तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है? सॉरी, ई थ्री माइनस, वेरी गुड, ई थ्री माइनस ई वन रहेगा। ई थ्री का सेम वैल्यू डालो, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आएगा, माइनस इनटू माइनस प्लस होएगा, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर रहेगा।
अब यहां पे आपको इसका एनर्जी चाहिए, तो आप ये एनर्जी इधर लिखो या फिर इधर ऐसे लिखो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी माइनस 13.6, ये कॉमन है जेड स्क्वायर, तो हीलियम प्लस है, हीलियम का जेड का वैल्यू कितना रहता है? 2 रहेगा, तो ये रहने वाला है 4, 3 का स्क्वायर रहेगा 9, माइनस तो माइनस प्लस होएगा, यहां पे जेड स्क्वायर 4 रहेगा अपॉन क्या रहने वाला है 1, दोनों में क्या कॉमन है? 13.6 कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? ब्रैकेट के अंदर रहने वाला है, इसको जरा सॉल्व करो, 4/9 माइनस, सॉरी मेरा गलती हो, 4 माइनस 4/9 रहेगा, इसको कैसे लिख सकते हो? 13.6 सॉल्व करोगे तो 36 माइनस 4 अपॉन क्या आएगा? 9 आएगा, तो ये रहने वाला है 13.6 इंटू यहां पे 36 माइनस 4 रहेगा 32/9। अब आपको क्या करना है, ये जो एनर्जी है एक्स के टर्म्स में लाना है, तो इसको एक्स के टर्म्स में लाना रहेगा, तो देखो जरा ऊपर आपको क्या चाहिए, न्यूमरेटर में 3 चाहिए, डिनोमिनेटर में आपको क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहां पे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ताकि ये किसका टर्म हो, ये इक्वल टू एक्स बन जाए, साइड में क्या रहेगा, एज यूजुअल आपका 32 रहेगा और आपका 9 रहने वाला है, तो ये 13.6 इंटू 3/4 ये रहेगा x, 4 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रहेगा 128, 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 27, तो x के टर्म्स में ये कितना रहने वाला है, कितना, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ अ हाइपोथेटिकल स्पीशीज फॉलोइंग बोर मॉडल इज एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। ट्राई करो फॉर्मूला यूज करना, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी बोला है, तो इसका मतलब ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट मतलब E3 माइनस E1 आएगा। अब इसका जो वैल्यू है कितना दिया है, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब E3 का मतलब क्या रहेगा, वैल्यू क्या रहेगा, E3 का वैल्यू क्या फॉर्मूला डालोगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होएगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब यहां पे बताया नहीं है ये कौन सा है करके, क्या ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, कुछ नहीं बोला है, हाइपोथेटिकल, तो हमें जेड का वैल्यू अज्यूम करना है कि कुछ तो है करके, हम लोग उसको जेड ही रखेंगे, तो इसमें क्या कॉमन है, सबसे पहले 13.6 कॉमन है, जेड स्क्वायर कॉमन है, ओके, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1/1 स्क्वायर आएगा, यहां का साइन क्या है, माइनस 1/3 स्क्वायर आएगा, तो ये कितना रहेगा,
13.6 z square क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 माइनस 1 अपॉन 9 आएगा विच इज इक्वल टू 13.6 z square 8/9 रहेगा x का वैल्यू. सब हमें जरूरत नहीं है क्या क्या इसमें z की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या z का वैल्यू बोलो सर वो x मिल जाएगा फिर z स्क्वायर निकाल सकते हैं ना z बताओ क्या हाँ x बताओ क्या कितना z कितना बताओ हाँ सर वो z स्क्वायर नहीं निकाल सकते तो हम लोग ढूंढने इधर बोला है हाइपोथेटिकल स्पीड हाइड्रोजन बोलता तो हम लोग लिखते थे लिथियम बोलता तो हम लिख सकते थे लेकिन हाइपोथेटिकल है इसके लिए मैं जेड ही ले रहा हूँ मेरे को पता नहीं कौन इसलिए जेड ले रहा हूँ. चलो अब नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोला है तो आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है ठीक है. आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कहाँ से कहाँ रहता है ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे लेके जाते हो तो इन रेंज का फॉर्मूला बेसिकली क्या है ई इंफिनिटी माइनस ई वन रहेगा ये तो जीरो रहता है इंफिनिटी पे तो माइनस इनटू माइनस क्या होएगा प्लस होएगा 13.6 जेड स्क्वायर. अब जेड स्क्वायर क्यों क्योंकि मेरे को जेड का वैल्यू पता नहीं है लेकिन मेरे को एन पता है ग्राउंड स्टेट में रहेगा ये तो ये क्या रहने वाला वन का स्क्वायर. अब देखो आपने यहां से क्या क्या निकाला 13.6 से आपके पास z स्क्वायर है आपके पास क्या नहीं है 8/9 तो आप इधर क्या करोगे आर्टिफिशियली 8/9 को प्रोड्यूस करोगे तो 8/9 लिखा है तो अगर नीचे 9 लिखा तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे 9 से ऊपर 8 लिखा तो नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 के साथ तो ये जो पूरा टर्म है ये इक्वल टू क्या होएगा x रहेगा ठीक है. तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहने वाला है 9/8x इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब समझा पहले का जो सम था कैसे किया और ये सम अभी थोड़ा आइडिया मिल गया. चलो वैसे आप बाइंडिंग एनर्जी और सेकेंड ऑर्बिटल जरा दो देखा क्वेश्चन रीड करो बाइंडिंग एनर्जी और सेकेंड ऑर्बिट बोला है एक्साइटेड स्टेट नहीं पूछा है ऑर्बिट पूछा है तो कंफ्यूज मत होना. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट क्या रहेगा ई इंफिनिटी माइनस ई टू. वेरी गुड ई इंफिनिटी माइनस ई टू रहेगा. अगर एक्साइटेड स्टेट पूछा रहता तो ई थ्री लिखते थे आप ऑर्बिट पूछा ई इंफिनिटी तो आपको जीरो रहेगा तो ये इक्वल टू माइनस इनटू माइनस प्लस होएगा 13.6 z स्क्वायर n के बदले आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 होएगा. अभी 13.6 तो मिल रहा है z स्क्वायर आपको मिल रहा है लेकिन आपके पास अभी वापस क्या नहीं है 8/9 नहीं है तो 8/9 आपको चाहिए तो यहां पे 9/8 आपने लिखा पहले से एक 4 नीचे था डिनोमिनेटर में तो ये जो 13.6 z स्क्वायर 8/9 है इसको आप क्या ले सकते हो x ले सकते हो इंटू क्या आएगा 9/32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
तो डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, अब क्लियर है सबको बाइंडिंग एनर्जी। अब जो आंसर नहीं देगा बाहर रहेगा। हाइड्रोजन इन, एक सेकंड, ऐसा पता है नहीं किधर एक है, हाइपोथेटिकल, ये भी हाइपोथेटिकल है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइपोथेटिकल स्पीशीज इन second excited state is 13.6 electron volt. First क्या पूछा है, identify ये कौन है करके, identify the species कौन है। second find ionization energy and third find wavelength of photon जो n equal to 2 से 1 का transition कर रहा है। तो ये आपको try करना है, formula जो भी है use कर लेना, पीछे आगे किधर से भी देख के, तो जवाब नहीं देगा वापस आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे binding energy कौन सा स्टेट का बोला है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है मतलब कौन सा ये ऑर्बिट है, ई थ्री है, थोड़ा E3 माइनस क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। अभी ये बार आपको बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू दिया है, ये कितना है 13.6 से करके दिया आपको, क्लियरली बोला गया। ओके अब, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उधर, इधर ये क्या रहेगा, ई इंफिनिटी आपको जीरो रहेगा, तो माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर आपको ढूंढना है। ई थ्री है मतलब एन स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे, विधि बताओ, नाइन। अब माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस 13.6, यहाँ पे 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, सॉरी 9 होएगा, 13.6 कैंसिल, 9 इधर जाएगा, यहाँ पे z स्क्वायर रहेगा, z इक्वल टू क्या रहने वाला है, 3, z इक्वल टू 3 है, मतलब कौन सा स्पीशीज है ये, ये स्पीशीज। अब क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बेसिकली, आपको जस्ट ऐसा डराने के लिए वो ऐसा नाम सरसा दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जरा कॉन्फिडेंस रख के करो सॉल्व, आ जाएगा आंसर, सब टर्म्स तो आपको दिया मैंने ऑलरेडी, इससे और भयानक क्वेश्चन नहीं आता है, बस टर्म्स का मतलब आना चाहिए। चलो आयनाइजेशन एनर्जी बोला, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इट इज बेसिकली ई इन्फिनिटी, लेकिन कौन से स्टेट से होता है ये, ग्राउंड स्टेट, E1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड, चलो ये होएगा जीरो, माइनस यहाँ पे कितना आएगा, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आएगा। अब ये तो कितना होने वाला, 13.6 रहेगा, यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना रहेगा, थ्री स्क्वायर तो 9 होएगा, 13.6 को 9 से मल्टीप्लाई करो, आ गया आंसर, 1360 को 136 कम करोगे तो कितना आएगा, कितना है मुझे नहीं पता, देखो 122.4, वेरी गुड, 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। अब नेक्स्ट क्या है, वेवलेंथ पूछा है N2 से N1 का ट्रांजिशन पे, तो आपको पता है HC/λ यहाँ पे यूज करोगे, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, E2 से E1 की तरफ हो रहा है, हायर ऑर्बिट से माइनस लोअर ऑर्बिट। अब E2 क्या रहने वाला है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर, तो ऑफकोर्स क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला दोनों के लिए,
ठीक है, तो इधर कितना रहेगा, 9 रहेगा दोनों के केस में. 1 अपॉन क्या आएगा, 2 स्क्वायर विच इज 4 माइनस, वो मेरा गलती हुआ यहाँ पे, 1 माइनस आएगा जो भी, एक सेकंड समझ लेना जो भी, मैं बरोबर लिख लेता पूरा. माइनस 13.6 यहाँ पे रहने वाला है 9 अपॉन 4 प्लस 13.6 इंटू 9 अपॉन 1 रहेगा. तो दोनों में 13.6 इंटू 9 कॉमन है, अंदर आएगा 1 माइनस 1/4. तो इसका वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, इट इज 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है करके. 4 माइनस 1/4, 1/4 ये कितना होने वाला है, 3/4 रहेगा. एच सी के बदले आप क्या लिखोगे, 12400 अपॉन यहां पे आएगा लैम्डा. वैल्यू किस में रहेगा, लैम्डा का एमस्ट्रॉन्ग में. इसका जो भी आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा. ये इक्वल टू क्या रहेगा, इक्वल टू 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू क्या रहेगा, 3/4 रहेगा. इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, लैम्डा को ऊपर लेके जाओ, मैं जरा इसको आप लोग कर लेना कैलकुलेट, नीचे कर रहा हूं. तो ये रहेगा लैम्डा इक्वल टू 12400 अपॉन 1224. डेसिमल पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, फिर 4 यहां पे डिवाइड कर रहा है तो दूसरे से जाके मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरे से जाके डिवाइड, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर. कैलकुलेट कर लेना.